हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल का हलवा, जो पीली वाली दाल होती है। इसको मैंने 6 घंटे भिगो कर रखे थे और मैंने फिर इसको मिक्सी में पेस्ट बना लिया। इस तरह इसका पेस्ट बन गया। इस तरह इसमें मैंने पानी नहीं डाला था, ऐसे ही पिस ली थी। मैंने 100 ग्राम दाल ली है और 200 ग्राम मैंने शक्कर ली है। शक्कर में थोड़ी और डालूंगी, मीठा कम ज़्यादा अपने हिसाब से डालना है। इसमें घी जाएगा 150 ग्राम। इसमें मैं घी डाल रही हूँ। शुद्ध घी डाल दिया मैंने। अब हम इसमें इलायची भी डलेगी और ये हम दाल डाल देंगे। हम दाल को काफी देर भूनेंगे, कम से कम 15-20 मिनट, ताकि इसका रंग बिल्कुल लाल हो जाए। इस दाल को अगर आप इस तरह पेस्ट न करके और आप इस दाल को पहले धोकर कपड़े में, एक टॉवल में, टॉवल में या किसी भी कपड़े में रख के उसको गीला करके ढक देंगे और फिर उसको हम कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में, उस खाली कढ़ाई में उसको हल्का गुलाबी भूनते रहेंगे। फिर उसको मिक्सी में उसका पाउडर बना, वैसा भी बना सकते हैं, वो बहुत जल्दी बन जाएगा लेकिन टेस्ट ज़्यादा इसमें आएगा। अभी हमारा पूरा जब तक लाल नहीं हो जाए, जैसे मैंने दो आलू अभी बीच में बनाए थे, एक खसखस का और एक मैंने बनाया था माजून सिंधी छाई, और ये शादियों में खाया जाने वाला हलवा है मूंग की दाल का। ये बहुत टेस्टी होता है, इसमें खूब सारा ड्राई फ्रूट जाता है। अभी हम इसको भूनेंगे। इस हलवे का एक सीक्रेट मैं बता रही हूँ। जैसा कि मैंने इसमें पहले दाल डाल दी तो इसमें मैंने दाल को निकाल लिया। मैं तो ऐसे भी बनाती हूँ और इस तरह भी बनाती हूँ। मैं आपको एक इसका सीक्रेट बता रही हूँ। ये मैंने बेसन लिया है 1 चम्मच, इसको मैं थोड़ा सा भून लूंगी। इसमें भूनने के बाद इसको हम दाल को डाल देंगे। अब इसमें क्या होगा, दाल इसमें चिपकेगी नहीं, हमारा ये बहुत जल्दी बन जाएगा। दाल चिपकती रहती है, उसमें दिक्कत आती है, वो दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बेसन को थोड़ा भूनते रहेंगे जब तक इसका रंग ब्राउन ना हो जाए। और ये बेसन ऑप्शन है, डालो या नहीं, इसमें सूजी भी डाल सकते हैं। मैंने माजून में सूजी डाली थी। बेसन से थोड़ा इसका टेस्ट और ज्यादा अच्छा आ जाता है। और दाल में अगर घी थोड़ा ज़्यादा लगे तो निकाल भी, बनने के बाद निकाल भी सकते हैं। फिर हम जैसे कभी मीठी रोटी वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी इलायची जाती है, 4-5, ताकि इसमें इसका फ्लेवर बहुत आता है। इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डालेंगे ताकि इसका कलर आएगा। और हम कलर नहीं डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे। अब हमारा बेसन लाल हो गया। अब हम इसमें दाल को डालेंगे। अब हमारी दाल इसमें डाल दी। अब हम इसको धीमी आंच पे भूनेंगे कम से कम 15 मिनट। और अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, जल्दी में करना है तो तेज आंच पे खड़े होकर बनाना पड़ेगा। अब मैं इसको धीमी आंच पे कर दूंगी ताकि ये अच्छे से भुन जाए। अब हमारा ये इस तरह से सिक गया है। अभी हम इसको और थोड़ा सा कड़क करेंगे, जिस तरह अभी अच्छे से गुलाबी हो जाए, अभी और कड़क हो जाए, जैसे ये ऐसे लग रहा है पकौड़े जैसे बन गया। अब हम इसमें दूध डालेंगे 1/2 किलो, और इसमें हमें 1/2 किलो थैली
दूध का मैंने इस तरह खोआ बनाया था, ये मैंने घर का खोआ बनाया है। और ये शक्कर मैंने ली है 200 ग्राम। अब इसको अच्छे से थोड़ा और भून के मैं इसमें दूध डालूंगी। अब हमारी दाल इस तरह से अच्छे से भून ली मैंने। अब मैंने इसको काफ़ी देर इसको ऐसे 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 हाथ से कर कर के पूरा मैंने इसको एक सा कर दिया। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी चुटकी भर के हींग, बस ज़्यादा नहीं। ये भी ऑप्शन ही है। अब हम चाहे तो इसको अभी दूध डाल दें और चाहे तो उसे अभी और थोड़ा सा भून सकते हैं, पर हम इसको अभी बस डाल देंगे, ज्यादा नहीं भूनेंगे। दाल हमारी घी छोड़ रही है और हम धीमी आंच कर देंगे और हम इसमें दूध डाल देंगे। आधा किलो दूध डालेंगे क्योंकि दाल एकदम से पी लेगी इसको पूरा, इसको बहुत सारा दूध चाहिए, ये एक मिनट में सूख जाएगा। अब हम इसके साथ अभी का भी इसमें शक्कर डाल देंगे और इलायची, ताकि इसका रंग भी निकल आएगा। अब हम इसमें, ये हमारा किनारी छोड़ रहा है, अब हम इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालेंगे। अब हम इसमें खोआ डालेंगे। इसमें आप मिल्क मेड भी डाल सकते हैं। बस अब हम इसको 5 मिनट और इस तरह रख कर फिर ये हमारा तैयार हो गया।